वायरल करवा हमें। हाँ वायरल, विजय की दुनिया। हाँ यूट्यूब पर सर्च करो विजय की दुनिया। अच्छा विजय की दुनिया में। हाँ हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त विजय वर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय की दुनिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आए हैं श्री राम की नगरी यानी अयोध्या में। यहाँ आपको सरयू जी, दशरथ महल, हनुमानगढ़ी मंदिर सब आपको इसी वीडियो में दिखाते हैं। आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तो दिखाते हैं आपको। सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ से दोस्तों अयोध्या जो है 12 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों मौसम भी काफी सुहावना है, बादल घिरे हुए हैं। पवित्र नगरी अयोध्या भारत के प्राचीन नगरों में से एक है। यह चार धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का प्रमुख केंद्र है। चारों ही धर्मों के लिए यह नगर पवित्र और तीर्थ नगर है। रामायण में इस बात का उल्लेख किया गया है, जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को मेघनाद ने युद्ध के दौरान घायल कर दिया था तो संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी को भेजा गया था। लौटते वक्त वे अयोध्या के आकाश से गुजर रहे थे, तब भरत जी ने शत्रु समझकर हनुमान जी पर वार किया था, जिसके चलते हनुमान जी यहाँ गिर पड़े थे। बाद में जब भरत जी को पता चला तो वो बहुत पछताए और हनुमान जी से क्षमा मांगी। फिर हनुमान जी पुनः उस पहाड़ को उठाकर जाने लगे, तब पहाड़ का छोटा सा हिस्सा यहाँ गिर गया था जिसका नाम मणि पर्वत है। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी रामायण के अनुसार विश्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज द्वारा स्थापित की गई थी। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। दोस्तों आ चुके हैं सरयू जी के पास। यहाँ पे दोस्तों इस टाइम पानी बहुत ज़्यादा है। इस टाइम दोस्तों जो है आप सभी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पानी यहाँ इस समय। आप सभी लोग दोस्तों सरयू जी के पास आइए तो यहाँ पूजन स्नान भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के निकट बहने वाली भारत की प्राचीन नदियों में से एक है घाघरा, सरजू तथा शारदा। इस नदी के अन्य नाम हैं। यह हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत के गंगा के मैदान में बहने वाली नदी है जो आगे गंगा में मिल जाती है। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बहि सरजू पावन। तुलसी कृत मानस की इस चौपाई में सरयू नदी को अयोध्या की पहचान का प्रमुख प्रतीक बताया गया है। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित है। अयोध्या हिंदुओं का प्राचीन व सात पवित्र तीर्थ स्थलों सप्तपुरियों में एक है। अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर ऊंचे टीले पर स्थित हनुमानगढ़ी सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करने से पूर्व यहां पर हनुमान जी के ही दर्शन करना होता है। माना जाता है कि लंका विजय करने के बाद हनुमान जी यहां एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और राम कोट की रक्षा करते थे, इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट पड़ा। इसे ही हनुमान जी का घर भी कहा गया है। दोस्तों ये है तुलसी उद्यान। यह उद्यान रामायण के लेखक संत कवि तुलसीदास की स्मृति में बनवाया गया है।
इस उद्यान में तुलसीदास की भव्य प्रतिमा लगी हुई है जो बेहद खूबसूरती से बनाई गई है। दोस्तों आप चलते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर की ओर। पवन पुत्र हनुमान को समर्पित यह मंदिर अयोध्या रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था जो आज हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान यहां रहते हुए कोतवाल के रूप में अयोध्या की रक्षा करते थे। मंदिर के प्रांगण में माता अंजनी के गोद में बैठे बाल हनुमान को दर्शाया गया है। जहां राम वहां हनुमान और जहां हनुमान वहां राम, कुछ ऐसी ही प्रभु श्री राम के पावन जन्मस्थली अयोध्या। हनुमान जी को अयोध्या का रक्षक माना जाता है और कहते हैं कि हनुमान जी की आज्ञा लिए बिना कोई प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं कर सकता। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस के जवान और आर्मी के जवान भी लगे हुए हैं। अयोध्या का सबसे प्राचीन श्री हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर ऊंचे टीले पर स्थित है। कहा जाता है कि हनुमान जी को रहने के लिए यही स्थान दिया गया था, इसलिए इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। हनुमानगढ़ी वास्तव में एक गुफा मंदिर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। इस मंदिर परिसर के चारों कोनों में परिपत्र गढ़ है। मंदिर परिसर में माँ अंजनी व बाल बच्चे हनुमान की मूर्ति है जिसमें हनुमान जी अपनी माँ अंजनी की गोदी में बालक रूप में लेटे हैं। हनुमानगढ़ी में ही अयोध्या की सबसे ऊंची इमारत भी है जो चारों तरफ से नज़र आती है। इस विशाल मंदिर व उसका आवासीय परिसर करीब 52 बीघे में फैला है। वृंदावन, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी समेत देश की कई नगरों में इस मंदिर की संपत्तियां अखाड़े व बैठक हैं। दोस्तों प्रसाद चढ़ाने के बाद हम मंदिर के गुफा द्वार से निकलते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर के निकलने के बाद अब चलते हैं दशरथ महल। दोस्तों दशरथ महल जाने से पहले हमें रास्ते में बहुत ही सुंदर मूर्तियों से भेंट हुई। दोस्तों ये मूर्ति है श्रवण कुमार जी की, उसके बाद ये राजा हरिश्चंद्र जी की, उसके बाद दोस्तों ये है विष्णु भगवान की, उसके बाद ये है शिव शंकर और पार्वती जी की, उसके बाद दोस्तों श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता की, उसके बाद दोस्तों ये है हनुमान जी की, उसके बाद दूसरी रास्ते पे दोस्तों भी ये हनुमान जी की, ये दुर्गा माता जी की, उसके बाद दोस्तों ये है विष्णु जी की, उसके बाद ये है गंगा माता की, उसके बाद दोस्तों ये है काली माता की। बहुत ही प्यारी मूर्तियां थी। अयोध्या में रामकोट स्थित दशरथ महल दशरथ जी का राजमहल, जिसे आज एक सिद्ध पीठ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार
राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। इस स्थान पर श्री वैष्णव परंपरा की प्रसिद्ध पीठ एवं बिंदुगादी की सर्वोच्च पीठ भी स्थित है। इस पौराणिक महल का कालांतर में कई बार जीर्णोद्धार हुआ है। महाराज दशरथ के महल को बड़ा स्थान या बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। राम विवाह, दीपावली, श्रवण मेला, चैत्र रामनवमी और कार्तिक मेला का यहाँ उत्साह के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ महल में राजा दशरथ अपने नाते रिश्तेदारों के साथ रहते थे। यह स्थल अब एक पवित्र मंदिर के रूप में तब्दील हो चुका है, जहां राम सीता, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदित्य की प्रतिमाएं हैं। यह स्थल सैलानियों के लिए सुबह 8 से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 से लेकर रात के 10 बजे तक खोला जाता है। अयोध्या के बीचों बीच में स्थित है दशरथ महल। यह माना जाता है कि इस भवन को ठीक उसी जगह बनाया गया था जहां राजा दशरथ का असली निवास हुआ करता था और भगवान राम के पिता का अस्तित्व भी इसी स्थान से जुड़ा हुआ है। इस भवन के मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां लगी हुई हैं। हालांकि अयोध्या एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जहां साल के सभी दिन श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार बेहद बड़ा और रंगीन है। इस परिसर में काफी संख्या में जमा होकर श्रद्धालु भजन कीर्तन करते रहते हैं। दोस्तों, दशरथ महल निकल चुके हैं। कनक भवन। कभी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण भी राम की पूजा करने अयोध्या आए थे, तो यहाँ एक टीले पर माँ पद्मासना को तपस्या करते देख वहाँ विशाल कनक भवन मंदिर का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि रानी कैकेयी ने कनक भवन को माता सीता को मुंह दिखाई में दिया था। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि में मोबाइल नहीं ले जा सकते और बंद भी था, और कनक भवन भी बंद था, इसलिए वहां की सीन नहीं दिखा पाए। दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। एक लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।